हेलो बेटा, वेलकम। माई सेल्फ प्रदीप ताखर, और आज आपको मतलब पेपर आपका जो डीसीएम हुआ है 4 जून को, ठीक है, 24 नंबर पेपर जो हुआ है, ठीक है। अब बच्चों, उसके लिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो बेटा पहला सवाल हमारे पास, पहला सवाल क्या बेटा, लेट एफ डिफरेंशियल फंक्शन है बच्चों एक, ठीक है ना। हमारे पास बेटा एफ एक डिफरेंशियल फंक्शन है जिसको बेटा सेटिस्फाई कर रहा है, तो यार इसको देखिए बड़े आराम से बता सकते हो कि ये जो फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन होगा। अपने पास एक ऐसा फंक्शन होगा जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो कैसा टाइप का फंक्शन बनेगा बच्चों? एक लीनियर फंक्शन बनेगा। जो सेटिस्फाई कर रहा है वो कैसा होगा? लीनियर फंक्शन। तो बेटा एफ एक्स के अपन टाइप बता सकते हैं। एफ एक्स किस टाइप का फंक्शन होगा? ए एक्स प्लस बी टाइप का फंक्शन होगा। एफ ऑफ 0 क्या बेटा? 5, तो बी का मान 5 आ गया। एफ डेस 5 -1, दैट मीन्स ए का मान बेटा -1 आ गया। तो एफ एक्स हमारे पास ये फंक्शन बन गया अभी, -x+5। क्या बन गया बेटा? -x+5 बन गया, ठीक है। अब ऑप्शंस को वेरीफाई करना आपको बस, ठीक है। आपको क्या करना बेटा, यहाँ से ऑप्शंस को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो बेटा आप देखेंगे ना, इसको चेक करके देखेंगे बेटा। तो अपने पास यहाँ पे एफ ऑफ मोड एक्स इज नॉन डिफरेंशियबल एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, ये आ जाएगा बेटा। देखिए ग्राफ बनाओ इसका, 5 -x, इसका ग्राफ अपने पास कैसा बनेगा? 0 पे 5 और 5 पे 0 बेटा, ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना, एस लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एफ ओ मोड एक्स, तो बेटा ये नीचे वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, और बेटा एग्जैक्टली एफ ओ मोड मोड एक्स, ठीक है ना। तो बेटा ये बराबर ब्रांच बन जाएगा इसका, ठीक है। तो 1 2 3, 3 पॉइंट फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? नॉन डिफरेंशियल। सो पहले सवाल का चौथा ऑप्शन बच्चों बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ सेकेंड सवाल। सेकेंड सवाल का लेट एफ एक्स भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन आर हुज रेंज, बेटा ये आपके पास। तो एफ एक्स की रेंज हमारे पास क्या है कि बेटा 6 से लेके और आपके पास 7.5 के अंदर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बेटा अपन तो इसकी रेंज निकाल सकते हैं बड़े आराम से, 3 sin α + 4 cos α। इसकी रेंज यहाँ से क्या आएगी अपने पास? 3 sin α + 4 cos α। इसकी रेंज बच्चों क्या बनेगी? माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक इसकी बच्चों रेंज जाने वाली है। तो इसकी रेंज हमारे पास बनेगी -5 से लेके और +5। तो प्यारे बच्चों बड़े आराम से अपन बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज आपके पास 3 sin α + 4 cos α + fx, इसकी रेंज कहां से कहां जाएगी बोलो भाई? 1 से लेके 12.5। इसको लेमडा से अपन डिवाइड कर दें तो बेटा इसकी रेंज हमारे पास यहां से यहां बन गई। अब उसने बोला है इफ एच एक्स बेटा ये फंक्शन है, लेमडा बिलोंग्स टू आर, लेमडा बिलोंग्स टू 0 to 20, बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लेमडा। तो बेटा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब बनेगा? जब इसका मान क्या है अभी आपका, ये इंटीजर नहीं बनना चाहिए, तो लेमडा करना चाहिए आपका, लेमडा हैज टू बी मोर देन, है ना, मोर देन इक्वल टू 13, क्योंकि लेमडा आपका एक इंटीजर है। इंटीग्रल वैल्यू लेमडा पूछा आपसे बेटा ना, तो 13 हो सकता है। सो 13 से लेके बेटा अब लेमडा 0 से लेके 20 में आ रहा है, 20 पे क्लोज ब्रैकेट है। सो 13 14 15 16 17 18 19 20, तो लेमडा कितनी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं? 8। तो बेटा फॉर 8 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा द गिवन फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूस ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट तीसरा सवाल। बेटा हमारे पास ये फंक्शन दिया, कॉन्टिन्यूस आपका दिया है, तो एफ ओ पाई बाई टू दैट विल बी सॉरी एफ ओ पाई बाई टू विल बी के, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूस कहाँ पे? पाई बाई टू पे। अब इसकी लिमिट निकालो बेटा वहाँ से, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू और कोस एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स होल पावर 3, है ना, पाई माइनस टू एक्स होल पावर 3। अब बेटा आपको दिख रहा है कि ये क्या बन गया, 0/0 फॉर्म बन गई। अब फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे अपन, ठीक है। तो बेटा डेरिवेटिव करने पे इसका लिमिट जो बनेगा ना, वो बनेगी 1/48, है ना। इसकी लिमिट अपन निकाल सकते हैं, दैट विल बी 1/48। आपको यहाँ से फाइंड क्या करना है, 144 क्रॉस 1/48, सो दैट विल बी 3। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, है ना, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल फोर्थ वन, है ना, राइट। बेटा ये भी अपने पास बिल्कुल लाइक एक पैटर्न का सवाल है जो, है ना, आप क्लासेस के अंदर इसको बार बार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो
ऐसे सवाल को सोल्व करके आप अपनी कमजोरियों को बच्चों दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सवाल हमारे पास, ठीक है, एक बिल्कुल वेल डिफाइंड सवाल है, ठीक है। राइट, कौन सी फॉर्म बोलो बेटा, दिस इज वन टू पार इनफाइनाइट फॉर्म, वन टू द पार इनफाइनाइट फॉर्म। और बेटा वन पार इनफाइनाइट को सोल्व करने का रूल क्या होता है, बेस माइनस वन इंटू पावर जी एक्स। तो बेस माइनस वन दैट इज साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन बेटा क्या आएगा भाई, एक्स माइनस एल्फा, ये बनने वाला है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास यहां पे क्या बन गया, ये साइन ए इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा अपॉन एक्स माइनस एल्फा, ठीक है। और बच्चों लिमिट अपने पास क्या रहेगी यहां पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एल्फा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एल्फा, ठीक है। लिमिट क्या रहेगी बेटा, एक्स टेंडिंग टू इनफिनिट, सॉरी एक्स टेंडिंग टू एल्फा, ठीक है। तो बेटा बड़े आराम से अपन यहां से ऐसा कर सकते हैं, इसको ए से ए इंटू एक्स माइनस बीटा से भाग लगा दिया और ए इंटू एक्स माइनस बीटा से बेटा गुणा कर दिया। अब इसका वैल्यू यहां से क्या बनगा, एक। अब यहां पे एल्फा लगाया तो ए इंटू एल्फा माइनस बीटा। अब पता है बेटा आपको जो लिमिट आएगी उसको ई की पावर में लगाते हैं ना, तो ई टू दी पावर ए इंटू एल्फा माइनस का बीटा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, है ना, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ ए जीरो प्लस ए वन प्लस ए टू अप टू 800 है ना जीरो, देन बेटा आपको इसके यहाँ से वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको बेटा इसके यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे बोलो, हमारे पास नेक्स्ट सवाल यहाँ पे क्या है बेटा, वॉइस वगैरह सब प्रॉपर है ना, बड़े प्यार से ऑप्शन वॉइस आ रही, ठीक है। राइट, सब बढ़िया ना, चलिए ठीक है। तो बेटा अपने पास क्या, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं बड़े आराम से यहाँ से क्या कर सकता हूँ भाई, बेटा देखो ए 100 का मैं निकालता हूँ पहले ना, ए 100 मेरे पास क्या माइनस ए 1 प्लस ए 2 और अप टू बेटा ए 99, ठीक है ना। इसको यहाँ पुट कर देते हैं बेटा, तो देखो यहाँ सब देख पा रहे हैं ए 100 में क्या आएगा 1, सॉरी ए 100 में यहाँ से कॉमन क्या आएगा बेटा, रूट एन माइनस रूट ऑफ एन प्लस 100। इसी टाइप से बेटा ए 1 में कॉमन क्या आएगा बोलो भाई, ए 1 बच्चों का कॉमन आ जाएगा एन प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एन प्लस 99, ठीक है, इसी टाइप से चलेगा बेटा। अब इसको रेशनलाइज करते हैं बेटा, तो यहाँ बनेगा तुम्हारे पास ए नॉट, ठीक है ना। रेशनलाइज इसको करेंगे अपन, तो यहाँ से क्या आएगा बोलो, माइनस का 100 अपॉन रूट एन प्लस का 100, ठीक है। इसी टाइप से बेटा ए वन का बनने वाला, इसी टाइप से बेटा ए टू का बनने वाला, ठीक है ना, और अप टू लास्ट। अब यहाँ पे क्या बेटा, लिमिट कहाँ जा रहा है आपका, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिट, तो बेटा एन गोज टू इन्फिनिट पर ये पार्ट क्या बनेगा जीरो, ये भी क्या बनेगा जीरो, सो ऑल विल बी जीरो, तो सम विल बी जीरो, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, है ना। इसका डी वाला जो ऑप्शन बच्चों बिल्कुल ठीक है, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पर जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। तो बेटा आपको यहां पे एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, तो बेटा एफ ऑफ जी एक्स यहां से क्या बन जाएगा बोलो भाई, इसके हिसाब से अपन देखें तो अपने पास एफ ऑफ जी एक्स यहां से क्या आ जाएगा बोलो बेटा, जी का मान रूट टू के लिए, एक्स बिलोंग्स टू क्यू के लिए आपके पास आ रहा है रूट टू आ रहा है, और रूट टू कैसा आपका बेटा एक ये नंबर है, तो यहाँ पे एक्स बिलोंगिंग टू क्यू के लिए क्या बनेगा भाई, रूट टू, और नॉट बिलोंग्स टू के लिए क्या बन जाएगा बेटा आपका वन। और बच्चों आपका जी ऑफ एफ एक्स भी क्या आएगा बोलो भाई, जी ऑफ एफ एक्स भी तुम्हारे पास क्या आएगा बेटा, जब एक्स आपका बेटा क्यू से बिलोंग कर रहा है तो वन, और वन बेटा यहाँ पे यहाँ बिलोंग करेगा तो रूट टू, तो ये भी क्या बनेगा बेटा रूट टू, और बेटा जब एक्स आपका क्यू से बिलोंग नहीं कर रहा है तो वहां पे वन। तो आप देख पा रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ एक्स ठीक है बोथ आर सेम, तो यहां से एच एक्स क्या बन गया आपका, एच एक्स बेटा आपका यहाँ पे क्या बन गया जीरो फंक्शन बन गया, ठीक है ना, एक कॉन्स्टेंट फंक्शन बन गया। और बेटा ये फंक्शन हमेशा क्या भी कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशियबल है पूरे एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए, तो बी वाला जो ऑप्शन इसका है पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल है ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे जाओ 7 नंबर पे, ये बेटा अपने पास क्या अभी वन पार इनफाइनाइट फॉर्म है, ठीक है। इसको भी सोल्व करने का वो इस सेम मेथड रहेगा, ए पार वन अपॉन एन बेस माइनस वन इंटू जी एक्स, तो बेटा इसको मत है ना माइनस वन आएगा तो इसको माइनस वन बाई थ्री कर दे रहा हूँ, प्लस बी पार वन बाई एन माइनस वन बाई थ्री प्लस सी पावर वन बाई एन माइनस वन बाई थ्री, ठीक है।
और बेटा अपने पास यहाँ पे क्या है इंटू एन आएगा, तो उस इंटू एन को बेटा मैं यहाँ पे वन अपॉन वन बाई एन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, ये देखिएगा पहला लिमिट यहाँ से क्या बनेगा, एक बटा ए पावर वन बाई एन माइनस वन अपॉन वन बाई एन, एक बटा तीन बच्चों सभी से कॉमन बाहर आ गया है, प्लस बी पावर वन बाई एन माइनस वन अपॉन वन बाई एन, प्लस सी पावर वन बाई एन माइनस वन अपॉन वन बाई एन, ठीक है ना बेटा। इसका लिमिट क्या बनेगा, लोग ए, ये लोग बी, ये लोग सी, तो अपने पास क्या बनेगा अभी लोग ए बी सी की पावर एक बटा तीन, इसको ई की पावर में लगाएंगे तो बेटा हमारे पास क्या आएगा ए बी सी होल टू द पावर वन बाई थ्री। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ बेटा, एट नंबर पे, इसको बेटा ब्रेक कर लीजिए आप। हमारे पास क्या लिमिट x गोज टू इन्फाइनाइट, इसको अपन यहाँ से क्या लिख लेंगे बेटा, x प्लस वन पावर m प्लस x प्लस टू पावर m और अप टू x प्लस 1000 पावर m, ठीक है, अपॉन बेटा x पावर m प्लस 10 पावर 1000 में, ठीक है ना। अब बेटा यहां से क्या करें, अपॉन x की पावर m को बेटा यहां से कॉमन निकाल लिया और लिमिट n गोज टू इन्फाइनिट कर दिया, लिमिट x गोज टू इन्फाइनिट कर दिया बेटा, तो ये आपका 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया और बेटा अप टू ये भी तुम्हारे पास 1 बन गया, ठीक है ना। और नीचे वाला बेटा ये आपका 1 प्लस 10 अपॉन 10 पावर 1000 अपॉन x पावर m, ठीक है। अब बेटा आपको साफ साफ दिख रहा है कि बेटा ये सब आपका यहाँ से ना ये जीरो जाएगा और ये बेटा आपका बन गया 1 1, तो यहाँ पे आंसर क्या बन गया आपका 1000, ठीक है ना, आंसर क्या बन गया बेटा 1000। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, बहुत सही सवाल है बेटा। नेक्स्ट सवाल पे जाओ, नाइन्थ नंबर पे, ठीक है ना, वेर दिस डिनोट्स आर जी आई एफ, ठीक है ना, इज इक्वल टू, तो बेटा इसकी लेफ्ट लिमिट निकाल लेते पहले, सॉरी पहले राइट निकाल लेते, चलो ना जी एफ, ठीक है, तो बनेगा साइन, ठीक है, जीरो प्लस माइनस का थ्री अपॉन साइन, सॉरी अपॉन क्या बेटा, ये आपका पास यहाँ पे क्या है जीरो प्लस माइनस का थ्री, ठीक है, उसका पूरे का बेटा जी एफ लगाया, ठीक है, तो यहाँ से क्या है अभी ये बेटा अपने पास बन जाएगा साइन माइनस का थ्री, क्योंकि ये बेटा माइनस थ्री से छोटा हो जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा आपका माइनस का थ्री, उसका जी है बेटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो बेटा, साइन थ्री अपॉन थ्री, बोथ आर पॉजिटिव लेस देन वन, तो यहाँ पे इसका मान क्या बन गया बेटा जीरो। अब इसका जीरो नेगेटिव पे अपन लिमिट देखें, लिमिट एक्स गोज टू जीरो नेगेटिव, तो वहाँ पे क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा माइनस चार, तो साइन माइनस का चार अपॉन माइनस चार, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा साइन चार अपॉन चार, बेटा साइन चार का मान क्या पाई से, पाई चार का पाई से बड़ा होता है, तो साइन चार क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो बेटा ये नेगेटिव बन गया, तो पूरा इसका साइन कैसा बन गया लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो पे जी एफ क्या होता है माइनस एक, तो यहाँ से लिमिट क्या बनी माइनस एक, तो आप देख पा रहे हैं कि राइट लिमिट इसका आ रहा है जीरो और लेफ्ट लिमिट क्या आ रहा है माइनस एक, सो लिमिट्स आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स व्हाट, लिमिट डोंट एग्जिस्ट, लिमिट डोंट एग्जिस्ट, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पर जाओ, सवाल नंबर 10 पे, लिमिट एन गोज टू इन्फाइनाइट, अब बेटा इसको ब्रेक कर लें यहाँ से आप, ठीक है, ये क्या आपके पास सिग्मा के इंटू एन माइनस के माइनस वन, एन एटम लिख दिया बेटा इसका, और अपॉन क्या बेटा सिग्मा के स्क्वायर है, ठीक है, अब इसको यहाँ से ब्रेक कर लीजिए आप, तो एन प्लस वन इंटू सिग्मा के माइनस के स्क्वायर का सिग्मा अपॉन बेटा सिग्मा के स्क्वायर, तो यहाँ से बच्चों क्या बन गया अपने पास, ये एन प्लस वन इंटू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस सिग्मा के स्क्वायर, हमारे पास क्या आएगा एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन में सिक्स, अपॉन बेटा क्या आएगा एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन बच्चों छः, ठीक है, तो एन क्यूब के हिसाब से लिमिट एन गोज टू इनफाइनिट में एन क्यूब के हिसाब से एन क्यूब का कोफिशियंट निकालना है आपको, तो यहाँ से एन क्यूब का कोफिशियंट क्या बेटा वन बाई टू आ रहा है माइनस यहाँ से क्या रहा भाई, यहाँ से बेटा आपका दो बटा छः मतलब एक बटा तीन अपॉन वन बाई थ्री ये आ रहा है, तो यहाँ से बेटा हमने दो क्रॉस थ्री इसका एलसीएम ले लिया, तो थ्री माइनस का टू अपॉन बेटा वन बाई थ्री ये से कट गया बेटा, तो आंसर क्या बना आपका वन बाई टू, इस सवाल का यहाँ से आंसर क्या बन गया अपने पास
ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, है ना, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, सवाल नंबर 11 पे, ये तो इजी सवाल बेटा अपने पास, ठीक है ना। जी एक्स हमारे पास क्या है, वन एफ वन एफ एक्स है, ठीक है ना, ठीक है। ऑन टू इफ एफ इज ऑन टू, जी इज ऑन टू, जन इफ एफ इज ऑन टू, बेटा आपको मैंने मान लीजिए एफ एक्स को मैंने एक्स ले लिया, तो जी एक्स मेरे पास क्या बन गया आपका, वन बाई एक्स विच इज नॉट डिफाइंड एट जीरो, ठीक है बेटा, जीरो इसके रेंज में कभी नहीं आएगा, ठीक है बेटा, ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट। वन वन इफ एफ इज वन वन, हाँ सही बात है, ठीक है, ये आपका जी एक्स वन वन हो जाएगा, ये आपका एफ एक्स क्या अभी वन 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 है तो, ठीक है ना, किसी भी केस में बना लीजिए आप, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। बिल्कुल थियोरिटिकल सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस वन, ठीक है ना। तो पहले इसका ग्राफ बना लो बेटा आप, तो लेसन जीरो पे क्या है इसका, बोलो बेटा माइनस दो से लेके, तो बेटा ऐसा ग्राफ बन जाएगा इसका, और जीरो से लेके बेटा एक के अंदर, जीरो पे इसका वैल्यू क्या रहा, माइनस का दो, तो माइनस दो यहां से स्टार्ट होगा आपका, और एक पे बन जाएगा बेटा, जब एक रखा तो बेटा ये जाएगा नीचे ग्राफ माइनस तीन पे, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। फिर बेटा एक्स इक्व टू वन पे इसका ग्राफ क्या रहा है, यहाँ बेटा होल आ जाएगा साहब, ठीक है, एक्स इक्व टू वन पे बेटा वन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये बन जाएगा, ठीक है ना। आपने बोला इसका मोड एक्स, तो बेटा मोड करने में भी क्या बनेगा अभी, बेटा मोड लगाने पे ये इसकी वैल्यू क्या अभी जीरो पे दो है, और बेटा यहाँ पे क्या जीरो पे क्या बेटा इसकी वैल्यू माइनस का टू है, तो मोड लगाने पे क्या हो जाएगा बेटा, ये ग्राफ तुम्हारे पास ये ऊपर एक्सटेंड हो जाएगा बस आपका, ठीक है ना, ये आ जाएगा, तो तब भी बेटा यहाँ पे क्या एक पॉइंट की डिसकंटिन्यूटी बेटा फिर भी रह जाएगी, ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। 12 सवाल का कौन सा आंसर आएगा बेटा, पहला। नेक्स्ट सवाल पर जाओ, सवाल नंबर 13, एफ एक्स बेटा ये दे रखा है, तो बेटा साफ साफ दिख रहा है अपने को भाई यहां पे क्या है, एफ एक्स बेटा हमारे पास यहां पे क्या रहा है, एफ एक्स हमारे पास आ रहा है ई टू द पावर ई बाई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस ई बाई एक्स अपॉन e टू द पावर सॉरी e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, तो बेटा एफ ऑफ जीरो का मान यहाँ से बेटा क्या आएगा, क्या आएगा, ठीक है ना, और साफ साफ दिख रहा है बेटा आपको कि एफ ऑफ जीरो प्लस यहाँ से कितना आएगा, बोलो बेटा एफ ऑफ जीरो प्लस पे यहाँ पे ही आ जाएगा आपके पास एक आ जाएगा यार, और एफ ऑफ जीरो माइनस पे क्या आएगा बेटा माइनस का एक आ जाएगा, ठीक है ना, तो लिमिट्स आर नॉट इक्वल, दिस मींस व्हाट, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर एनी के, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 14 नंबर पे आ जाओ बेटा, 14 नंबर पे अपने पास क्या रखा है, एफ एक्स आपको इसका ग्राफ बनाना, अभी इसका ग्राफ बना लो, क्या दिक्कत यार, कोस का ग्राफ तो बना ले, जीरो से लेके टू पाई, तो जीरो से लेके टू पाई यहाँ पे पाई, ठीक है, तो कोस का ग्राफ बेटा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, दिस इज द ग्राफ कोस एक्स। फिर बेटा 1/2, तो 1/2 ग्राफ ये ऐसा कुछ बन गया। फिर क्या बेटा साइन एक्स का फ्रैक्शन पार्ट, तो साइन एक्स का बेटा फ्रैक्शन पार्ट कैसा बनेगा, ये यहाँ पे होल आ जाएगा साहब, यहाँ पे पाई बाय टू पे होल आके बेटा जीरो पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर बेटा फिर से यहाँ पे क्या भाई, फिर से बेटा यहाँ पे क्या आएगा, बोलो ये थ्री पाई बाय टू बन गया यहाँ पे, ठीक है ना, और पाई पे जीरो के बिल्कुल नेगेटिव, तो यहाँ बन जाएगा बेटा ऐसा करके, ऐसा बन गया, ठीक है। अब बेटा मैक्सिमम देख रहा आप, देख पा रहे हैं आप कि कितने पॉइंट पे उसने बोला है, ठीक है ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियबल, ठीक है, तो बेटा मैक्सिमम ग्राफ में देखो, एक तो ये आएगा, तो यहाँ पे एक तो सार पेज यहाँ पे आ गई, उसके बाद बेटा सार पेज कहाँ पे आएगी और बोलो, फिर यहाँ से ये, और फिर बेटा मैक्सिमम का ग्राफ फिर से यहाँ पे क्या बनेगा आपका, फिर से बेटा आपके पास यहाँ पे सार पेज तो यहाँ पे आ जाएगी, एक बेटा तुम्हारे पास सार पेज यहाँ पे जाएगी बेटा, एक यहाँ पे और एक तुम्हारे पास यहाँ पे, चार जगह सार पेज आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो क्या बेटा बोलो, चार पॉइंट फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल, बट उन सभी पॉइंट्स पे फंक्शन क्या बनेगा अपना, इट विल बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। उन पॉइंट्स पे क्या होगा, जहाँ पे सार पेज बनती है वहाँ पे, पता है अपने को सार पेज एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशियबल, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स देखो ना, सार पेज वाला, सार पेज, सार पेज, सार पेज, चार पॉइंट्स पे क्या बनेगी, सार पेज आएगी, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बट यहाँ पे क्या है, नॉन डिफरेंशियबल बन रहा है,
तो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, फोर्थ पार्ट, नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी फोर। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर पे आ जाओ बेटा। वाई हमारे पास क्या, ई पावर 2x, तो वाई डैश क्या बनेगा, ई पावर 2x इंटू 2, तो वाई डबल डैश क्या बनेगा बेटा, ई पावर 2x इंटू 4, ठीक है। और बेटा अपन बात करें dx अपॉन dy की, तो यहां से क्या बनेगा बेटा, dx अपॉन dy अपने पास बनेगा 1 अपॉन 2y ना, इसको मैंने y रख दिया यहां पे, तो बेटा d2x अपॉन dy2, ये यहां से क्या बनेगा, माइनस का 1 अपॉन 2 इंटू वाई स्क्वायर। अब दोनों को इंटू कर दें आप, तो इंटू करने में देखो बेटा यहां से क्या आएगा, 4 इंटू ई पावर 2x इंटू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू, और बेटा ई टू द पावर वाई पावर 2, तो ई पावर 4x, तो 2 से 2 कट गया, तो माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 2x, तो ऑप्शन कौन सा सही, बोलो बेटा फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है ना, इस सवाल का फोर्थ ऑप्शन बच्चों सही है। अब बेटा नेक्स्ट सवाल पे जाओ, बेटा नेक्स्ट सवाल पे जाओ, सवाल नंबर इंटीजर टाइप का बेटा, सेक्शन भी अपने पास इंटीजर टाइप का है, ठीक है ना, इसमें मतलब 5 सवाल हैं आपको बेटा, 5वां अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। तो बेटा इस सवाल को अपन बनाते चलो, हमारे पास यहाँ पे क्या देखो, तो बेटा इसको मैं थोड़ा सा ना इजी बनाने के लिए बेटा ऐसा कर लो, लिमिट निकालना मेरे को, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा साइन एक्स पावर 6 अपॉन बेटा एक्स पावर 6, इसको मैंने ऊपर नीचे एक्स पावर 6 से गुणा कर दिया, और बेटा 1 माइनस कोस के अंदर पता है अपने को टेन एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन बेटा मैंने क्या कर दिया, टेन एक्स माइनस साइन एक्स से बेटा इसके स्क्वायर से बेटा भाग लगा दिया, और बेटा इसके स्क्वायर से मैंने क्या कर दिया भाई, गुणा कर दिया बेटा, ठीक है ना। अब पता है बेटा अपने को इसका लिमिट बन जाएगा 1/2, इसका लिमिट बन जाएगा 1, तो होगा भाई सिंपलीफाई आपका आराम से, तो ये बन गया आपका 2 1/2 नीचे वाला बेटा ऊपर चलाएगा 2 आ जाएगा, और बेटा ऊपर वाला एक्स पावर 6 को नीचे मर्ज कर दूंगा यहाँ पे, वो तो बन जाएगा टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन बेटा एक्स पावर 3 की पावर 2, बेटा इसकी लिमिट बनेगी 1/4, ठीक है, आप डी लगाएंगे बेटा 4 लिमिट बनेगी, तो आंसर बन जाएगा तुम्हारे पास 2/2 × 4, तो इस सवाल का आंसर क्या बना अपने पास 8, है ना, तो लिमिट विल बी 8, ठीक है, इजी सवाल है, बस थोड़ा सा चीज़ों को ढंग से आपको अरेंज करके सवाल को ढंग से ना लिमिट को फाइंड करते समय अपने क्या करना, चीज़ों को बहुत ढंग से अरेंज करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे जाओ बेटा, नेक्स्ट सवाल बोला अपने पास यहाँ पे क्या रहा बेटा, यहाँ फ्रैक्शन पार्ट लगाना बेटा जी एफ, तो ये तो 1 बन जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 पावर फ्रैक्शन पार्ट बेटा इसमें क्या लग जाएगा तुम्हारे पास, टेन एक्स फ्रैक्शन पार्ट में बेटा 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब बस ये भी बेटा अपने पास क्या भाई, 1 पावर इन्फिनिट फॉर्म है, ये 1 पावर इन्फिनिट फॉर्म बन गई बेटा, अब इसको सोल्व करने का मेथड वही रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू जी एक्स, तो जी एक्स बेटा हमारे पास क्या आएगा, एक्स अपॉन टेन एक्स माइनस एक्स, ये से बेटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक्स पावर 3 अपॉन टेन एक्स माइनस एक्स, ठीक है ना, इसकी लिमिट निकालो बेटा अभी, इसकी लिमिट हमारे पास क्या बनेगी, 3 एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है बेटा, फिर से लगा दो इसमें, तो 3 गुणा 2x अपॉन 2 sec x, और sec x का sec x 10x बेटा, 10x अपॉन x 1, 2 से 2 कट गया, तो 3 आ गया बेटा लिमिट है इसका, 3 बन गया, ठीक है। उसने पूछा e पार लेमडा, तो लेमडा का मान यहाँ से क्या बन गया, वेरी सिंपल 3 बन गया, ठीक है, लेमडा का मान यहाँ से क्या बन गया बेटा, 3 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे जाओ, नेक्स्ट सवाल अपने पास क्या है, ये भी इजी सवाल है, डिफरेंशियल 0 to 2 एंड ए बेटा 1/k1 है, बी ये, तो k1 k2 निकालना है, तो सीधी सी बात बेटा fx को यहाँ पे क्या कर दें आप, देखो 0 से 1 बेटा ये जी एफ क्या हो जाएगा आपका 0, तो सीधी सी बात है ये कट गया आपका बस, तो ए एक्स क्यूब प्लस का बी, जब x का आपका 0 से लेके 1 में है, और बेटा 2 इंटू बहुत सिंपल सवाल बन गया 2 इंटू कोस पाई एक्स प्लस का टेन इनवर्स एक्स, जब x का आपका बेटा 1 से लेके 2 में, तो बेटा एक कॉन्टिन्यूस आपका 0 से लेके 1 में, तो 1 पे कॉन्टिन्यूस भी होगा डिफरेंशियबल होगा, तो 1 पे बेटा कॉन्टिन्यू लगा दें इसकी, तो एफ ओ 1 प्लस इक्वल्स टू एफ ओ 1 माइनस लगा दें, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, a रखा तो a प्लस बी, एक्स को 1 रखा, और बेटा x को यहाँ से 1 रखा तो माइनस का 2 cos पाई विल बी माइनस 1, और tan इनवर्स 1 विल बी पाई ऑफ 4, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल फंक्शन भी होगा, तो उसका डेरिवेटिव कर दो बेटा आप, सो 3 a एक्स स्क्वायर यहाँ से, तो और यहाँ बन जाएगा बेटा माइनस का 2
साइन पाई एक्स इंटू पाई और प्लस वन अपॉन वन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेटा ये फंक्शन है ना, डेरिवेटिव करने पे वन पे कौन सुना चाहिए आपका, सो थ्री ए बेटा यहाँ से क्या है बोलो, वन बाई टू, तो ए का मान क्या बन गया, वन बाई सिक्स, ठीक है। ए का मान आ गया यहाँ से बेटा, इसको यहाँ पे रख के बी निकाल लीजिए आपका, ठीक है ना। और फिर वहाँ से क्या है, के वन का मान तो छः आ गया, और यहाँ से कंपेयर करके के टू निकाल लो, देन के वन के टू का सम निकाल लो, ठीक है। बहुत ईजी सवाल है, सिंपल सी कैलकुलेशन सवाल की, ठीक है भाई, समझ में आ रहा सब कुछ। बस ये स्टेप इसके सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी वाली बेटा, कि आपको इसको जीरो बनाना है, ठीक है, आपको इसको जीरो यहाँ से बनाना था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ बेटा, नेक्स्ट सवाल फोर्थ नंबर पे आ जाओ बेटा। अपने पास दो पैरामेट्रिक फॉर्म्स दिए हैं ना, एक्स तो एक्स पावर टू प्लस वाई पावर टू, यहां से क्या है बेटा, ई पावर टू टी हो जाएगा बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से क्या है बेटा, इसका अंडर रूट यहां से क्या बन गया, ई पावर टी बन गया। अब टी निकालेंगे यहां से यार, तो टी अपने पास क्या बन गया बोलो, एक्स अपॉन वाई विल बी टेन टी, तो टी का मान यहां से क्या है बेटा, टेन टी विल बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, तो टी को यहां पुट कर दो, तो ई पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर वन बाई टू। अब लोग ले लेंगे इसका यार, लोग ही बेस ले लें, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई विल बी वन बाई टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव कर दें आप, और डेरिवेटिव करके यहाँ से कंपेयर कर लें, सीधी सी बात है ना, इसका डेरिवेटिव करके कंपेयर कर लें तो आपको यहाँ से बेटा लेमडा मिलेगा, लेमडा आपको ऐसे मिल जाएगा टू, ठीक है। कंपेयर कर लें आप, लेमडा ऐसा आपको टू मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। सीधी सी बात, यहाँ से मुझे क्या करना है, पैरामीटर को हटाना है, क्योंकि पैरामीटर को हटा करके बेटा क्या आप ये वाली डिफरेंशियल बच्चों इक्वेशन बना पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो लेमडा यहाँ से टी हटाना, टी को बच्चों हटा के सिंपल अपन ना टी को ऐसे करके इसी प्रोसेस अपन रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका डेरिवेटिव करके आपको बस कंपेयर करके लेमडा निकालना है, ठीक है ना, दैट्स इट। नेक्स्ट सवाल पे जाओ, ये बढ़िया सवाल है, ठीक है बेटा। अपने पास ये दिया भाई, एक्स पावर चार प्लस ए एक्स पावर थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टू, ठीक है ना, माइनस अंडर रूट एक्स पावर चार प्लस टू एक्स पावर थ्री माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस का डी, है ना बेटा, ये आपको लिमिट दिया। तो इसको पहले रेशनलाइज कर लेंगे अपन यार, तो रेशनलाइज कर रहे हैं कैसे है बोलो बेटा, ये हट जाएगा यहाँ पे, एक्स पावर चार से एक्स पावर चार कट जाएगा, तो ए माइनस का टू इंटू एक्स पावर थ्री प्लस थ्री प्लस का सी इंटू एक्स स्क्वायर, और बी के अंदर क्या है बेटा, बी के अंदर बी माइनस का सी, तो b माइनस का 3 इंटू एक्स और प्लस का 2 प्लस का d अपॉन बेटा क्या आएगा, अंडर रूट एक्स पार 4 प्लस ए एक्स पार 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का 2 और प्लस अंडर रूट बेटा यहाँ से क्या आएगा भाई, एक्स पार 4 प्लस 2 एक्स पार 3 माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस का 3 एक्स माइनस का d, ठीक है बेटा, ये आएगा। तो लिमिट एग्जस्ट करने के लिए नीचे पावर डिग्री 2 है, तो बेटा ये पार्ट तो है ना सीधी दिस हैज टू बी जीरो, तो ए माइनस टू पक्का यहाँ पे जीरो बन जाएगा, ठीक है ना, देन ओनली लिमिट विल एग्जिस्ट। तो ए का मान चार आ गया। अब क्या करते हैं बेटा, नीचे डिग्री दो है तो एक्स पार क्या करते हैं बेटा, एक्स पार दो से ऊपर नीचे भाग लगा दें, तो क्या बनेगा, ऊपर बनेगा थ्री प्लस का सी और नीचे से एक्स पार दो का भाग लगाने पर यहाँ से एक तो दो यहाँ से बेटा उसी के मान क्या बोलो, इट हैज टू बी फोर, क्योंकि लिमिट आपको फोर दी है, सो थ्री प्लस सी यहाँ से क्या बनेगा बेटा आठ, तो सी का मान यहाँ से क्या बनेगा बेटा पाँच, तो ए का मान दो और सी का मान पांच, तो ए प्लस सी यहां से बेटा क्या बनेगा आपका सात। तो इस सवाल का आंसर अपने पास क्या बन गया, सात बच्चों बन गया, ठीक है। पेपर बहुत अच्छा था, ठीक है ना, आई होप आपने बहुत अच्छा किया होगा, ठीक है। जेईई मेंस का पेपर आपका ये सेक्शन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, थैंक यू। जय सी एल सी। हेलो बेटा, वेलकम जय सी एल सी। तो बेटा अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जे एडवांस का सेक्शन अपना है उसको अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला सवाल पैसेज वन देखिएगा बेटा, आपको एक फंक्शन दिया है ये वाला, है ना, एक फंक्शन बेटा आपको यहाँ से गिवन है, ठीक है, फंक्शन इज गिवन, राइट, दिस फंक्शन इज गिवन, ओके। अब बेटा अपने पास यहाँ पे क्या है, उसने बोला कि एफ इफ एफ ऑफ वन कॉमा वाई इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर देन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वन कॉमा जीरो, ठीक है बेटा, आपसे ये पूछा गया है। तो यार इस सवाल को अपन कैसे करेंगे, देखिएगा पहले एक्स को वन रख दो बेटा, एक्स को वन रखते फंक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये बेटा वन रखते ये जीरो हो जाएगा, तो यह बन जाएगा, और एन गोस टू इन्फिनिटी बेटा तो पावर वाला आ जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तो बन जाएगा आपके पास टू टू द पावर
एन एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर वाई अपॉन, बेटा यहां से क्या आएगा देखिएगा, टू पावर एन एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, क्योंकि वाई टू की पावर एन, एन गोस टू इन्फिनिट है बेटा, जो जहां पे एन की टर्म है वही बचेगा, सब बाकी सब यहां पे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, टू की पावर एन एक्स, एन एक्स कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो यहां पर जाएगा फोर इंटू साइन स्क्वायर वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है ना। तो एफ ओ वन को जीरो का मान है, ठीक है बेटा। तो बेटा आपको लिमिट निकालनी इसकी कहां पे, जीरो पे, एफ ओ वन को जीरो, एक्स ओ वन है और वाई को जीरो करना है, तो लिमिट यहां पे क्या लगा दें बेटा, लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो, तो फोर साइन स्क्वायर वाई अपॉन बेटा वाई स्क्वायर, ये कहां पे जाएगा अभी, चार इंटू एक, तो कहां पे जाएगा चार पे, तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा तुम्हारे पास फोर, ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, है ना, ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। इसी तरह से नेक्स्ट बेटा यहां पे क्या अपने पास, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा जीरो एग्जिस्ट देन लैम्डा इज इक्वल टू, तो बेटा यहां पे क्या करना अपने को अभी, जस्ट मिनट, अभी बेटा इसमें अपने को यहां से क्या करना है, यहां पे बेटा वाई को जीरो पुट करना आपको, वाई को जीरो पुट करेंगे आप, तो आपको सीधी सी बात है बेटा, लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स कॉमा जीरो बेटा निकालना, वाई को जीरो पुट करके आप यहां से लैम्डा निकाल सकते हो, ठीक है, वो बेटा आपका वन बाई सिक्स बनेगा, ठीक है। सेम टाइप का, सेम पैटर्न का सवाल है, जो मैंने फर्स्ट टाइम में किया था वही आपका इसमें रहेगा, उसमें क्या था पहले में एक्स वन था, ठीक है, यहां पे वाई क्या जीरो है, तो सेम ही टाइप का सवाल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पर जाओ बेटा, सेक्शन बी देखेगा, सेक्शन बी बच्चों आपके पास वही है, वन या मोर देन वन टाइप के ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। मार्किंग सिस्टम विल बी प्लस फोर एंड माइनस वन, ठीक है, जी एडवांस का एग्जैक्ट पैटर्न है। तो बेटा आपको बताना है इसका, पहले इसका ग्राफ बना लीजिए आप, पहले इसका ग्राफ बना लीजिए आप, देन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसका पहले ग्राफ बना लेते हैं अपन, ठीक है। हमारे पास क्या है, मिनिमम एक्स क्यूब माइनस वन कॉमा माइनस एक्स प्लस वन, और बेटा यहाँ पे अपने पास क्या है बेटा, यहाँ पे ये ब्रैकेट ये वाला, ठीक है ना, और सिग्नम माइनस एक्स ये वाला, ठीक है ना, ये बेटा, ठीक है बेटा, अपने पास ही है, ठीक है ना, मुझे इसका ग्राफ बनाना है बेटा। अपने पास यहां पे क्या है, एक्स क्यू माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन सिग्नम माइनस एक्स, ठीक है ना, हमारे पास बेटा यहां पे ये वाला ग्राफ है, ठीक है ना, मिनिमम एक्स क्यू माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन कॉमा सिग्नम माइनस एक्स, ठीक है बेटा, ये अपने पास है, ठीक है, एक्स क्यू माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन और बेटा सिग्नम माइनस एक्स, ठीक है भाई। तो बेटा इसका पहले ग्राफ बना लेते हैं अपन, चलो इसका हमारे पास ग्राफ कैसा, इसका ग्राफ कैसा आएगा भाई, एक्स क्यू माइनस वन ग्राफ बेटा ग्राफ बन जाए तुम्हारे पास ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट क्या है कॉमा जीरो, अब बना लीजिए माइनस एक्स प्लस वन, तो जीरो बेटा एक बन जाएगा, तो बेटा इसका ग्राफ तुम्हारे पास ये वाला आ जाएगा सिग्नम माइनस एक्स, इसका तुम्हारे पास ग्राफ कैसा आएगा बेटा, इसका तुम्हारे पास ग्राफ कैसा आएगा, सिग्नम एक्स का ग्राफ जानते हो आप, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ऐसा रहेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे होल जीरो पे जीरो, और बेटा यहाँ पे तुम्हारे पास ये रहेगा, ठीक है ना, ये पॉइंट कौन सा है तुम्हारे पास, एक्स बराबर दो रहेगा, ठीक है ना, राइट। अब आपको देखना मिनिमम का ग्राफ, तो बेटा मिनिमम का ग्राफ कौन सा आएगा बोलो, यहाँ पे अपन मिनिमम का ग्राफ देखें, तो यहाँ पे पहले ये वाला लाइन, ठीक है, फिर बेटा ये वाला लाइन, फिर तुम्हारे पास बच्चों ये वाला लाइन, ठीक है ना, ये इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। अब इस ग्राफ को देखिए अपन बेटा, तो कॉन्टेस्ट आपका डिफरेंशियबल कहाँ पे भाई, नॉन डिफरेंशियबल बेटा कहाँ पे, दो पे, एक्स बराबर दो पे क्या भी नॉन डिफरेंशियबल है, तो इसी को देखिए अपन ऑप्शन पिक कर लेंगे इसके यार, ठीक है, कॉन्टेस्ट आप पक्का जीरो पे, ठीक है, सही बात है, कॉन्टेस्ट बेटा कहाँ पे जीरो पे कॉन्टेस्ट है, ठीक है ना, सही बात है, डिफरेंशियबल जीरो पे सही बात है, कॉन्टेस्ट टू पे सही बात है,
और डिफरेंशियबल नो, ये गलत बात है ना, मैंने दिखाया था वहां पे सार पे जा रही थी, कहां पे एक्स बराबर टू पे सार पे जा रही थी, तो टू पे फंक्शन क्या होगा आपका, टू पे फंक्शन नॉन डिफरेंशियल बच्चों बन जाएगा, है ना, टू पे क्या बन जाएगा आपका, इट विल बी नॉन डिफरेंशियबल। ठीक है, नेक्स्ट पे जाओ बेटा, नेक्स्ट सवाल कौन सा आपका, ये सवाल इज डिफरेंशियबल ऑन आर, ठीक है ना, ठीक है भाई। तो बेटा अपने पास आर पे डिफरेंशियबल मीन्स, यहां से देखो बेटा आपके पास यहां पे क्या बनेगा भाई, फंक्शन आप ढंग से ओपन कर लीजिए यहां पे, तो बेटा यहां पे डिफरेंशियल होगा तो अपने पास यहां पे क्या आएगा भाई, x बराबर 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो इसको, तो a प्लस यहां पे 0 और यहां बेटा क्या बनेगा भाई, c प्लस का d, ये क्या बेटा मोड x लेस देन इक्वल टू 1 पे, और ये कहां बेटा आपका जब मोड x का बेटा 1 से ग्रेटर है, ठीक है ना। अब माइनस 1 पे चेक कर लो भाई, बेटा माइनस 1 पे क्या आएगा, एट x बराबर माइनस 1 पे क्या आएगा बोलो भाई, वहां बेटा ये तो a बनेगा मोड x लेस देन इक्वल टू 1, और वहां पे वो क्या बनेगा बेटा c इंटू e की पावर 4 प्लस का d, जब मोड x का बेटा आपका 1 से बड़ा है ना, ये बन जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहां से इसको अपन कंपेयर कर लें तो आपके पास c का मान क्या है बेटा, ये आपके पास इसके बराबर होना चाहिए आपका, सॉरी यहां से क्या बेटा a बराबर c प्लस d, और बेटा यहां से क्या आपका c इंटू e की पावर 4 प्लस का d, तो यहां से c का मान क्या बनेगा आपका 0 बन गया बेटा, तो यहां पे a बराबर क्या बन गया आपका d बन गया। ठीक है, b पहले से आपका, और अब डिफरेंशिएट चेक करेंगे तो डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा ये आपका नीचे जाएगा, तो b भी इसका मान क्या बनेगा 0, तो a का मान 0, b का मान 0 और आपका c का मान 0। ठीक है ना, तो बेटा b और c पक्का 0 हो गए। ठीक है, अब इसका अपन यहां से क्या कर लेंगे भाई, a को निकाल लीजिए आपका, a को निकाल लो। ठीक है ना, तो फंक्शन तुम्हारे पास कुछ ऐसा बन गया बेटा, फंक्शन कैसा बन गया अपने पास, ये बन गया फंक्शन एफ एक्स आपका ऐसे बन गया है, ए जब मोड एक्स का बेटा लेस देन इक्वल टू 1 है और डी जब मोड एक्स का बेटा 1 से बड़ा है, आपको दे रखा है कंडीशन एक, इसका मान 4 बेटा, तो कॉन्स्टेंट पार्ट हो गया, तो यहां पे ए का मान भी 4 डी का मान भी 4, तो ए का मान 4 डी का मान 4। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का मान ये भी बेटा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी सब यहां पे गलत है बेटा। ठीक है ना, ऑप्शन बी एंड सी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे जाओ बेटा, फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज द रिलेशन, ठीक है ना, इसको बेटा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इफ एफ डैश 0 माइनस 1 है देन, आपको सीधी सी बात बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। तो आप जानते हो बेटा इसका डेरिवेटिव कर लें क्या, एफ डैश एक्स प्लस वाई विल बी क्या हो जाएगा ऐसे बोलो भाई, एफ डैश एक्स, एक्स के साथ इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं बेटा हम, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई तो 2xy और प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर गया तो बेटा वाई स्क्वायर। अब क्या करते हैं आप, x को बेटा 0 पुट कर दें और y को x पुट कर दें आप, तो यहां से बन जाएगा तुम्हारे पास f डैश x बराबर f डैश 0 प्लस x स्क्वायर, f डैश 0 यहां से क्या बेटा, f डैश 0 हमारे पास माइनस 1 है, तो f डैश x विल बी माइनस 1 प्लस x स्क्वायर, तो यहां पे f x निकालो बेटा, f x यहां से क्या बनेगा भी x क्यूब बाई x माइनस x एंड प्लस का c कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब c कहां से निकालेंगे बेटा, एफ जीरो का मान 0 आ जाएगा, c का मान भी 0 आ जाएगा, तो एफ एक्स यहां से क्या बन गया आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स। अब वेरीफाई कर लीजिए आप, एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन ठीक है सही बात है, एफ एक्स ट्वाइस डिफरेंशियल ठीक है सही बात है, एफ डैश 3, एफ डैश 3 का मान ऑब्वियस बात है क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, एफ डैश 3 यहां से कितना आएगा आपका 3x स्क्वायर बाई 3 माइनस का 1 है ना, तो x को 3 रखने पे 8 आ जाएगा बेटा, तो ये आपका सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ विल बी करेक्ट, तीन बच्चों इसके ऑप्शन यहां पे सही हो गए। नेक्स्ट आता बेटा फोर्थ पे, इसका आप यहां से क्या कर ले बेटा, ग्राफ बना लो पहले, इसका आप यहां से क्या कर ले पहले ग्राफ बना ले। ठीक है, तो अपन ग्राफ इसका बनाएंगे बेटा, तो यहां से क्या अपने पास, हमारे पास इसमें क्या देखा है, इसका अपन ग्राफ बना लेते बेटा। ठीक है ना, ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 में अपने पास दे रखा है बेटा एफ एक्स आपको यहां से दिया है जी आई एफ एक्स प्लस 1 अपॉन फ्रैक्शन पार्ट एक्स प्लस 1। ठीक है ना, और एफ कहां से कहां डिफाइंड है बच्चों, आपके पास 0 से लेके 0.5/2 से लेके बेटा कहां जा रहा है आपके पास 1/2, 3 में जा रहा है। ठीक है ना, तो बेटा इसका यहां पे ग्राफ बना लीजिए बस। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, तो पहले अपन 0 से लेके 1 पे बनाएंगे,
तो जीरो से लेके एक बेटा ये तो बन जाएगा एक, ये बन जाएगा एक्स, तो एक बटा एक्स आ जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वन अपॉन वन प्लस एक्स, तो जीरो पर जाएगा एक, और एक पे कितना आएगा, एक बटा दो आ जाएगा क्या, तो ग्राफ ऐसे गिरेगा नहीं सर, यहाँ पे होल आ जाएगा क्योंकि ये बेटा वहाँ पे क्या भी फ्रैक्शन पार्ट यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा जीरो बन जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाओ बेटा कहाँ पे, एक से लेके दो में आ जाओ यार, एक से लेके दो में क्या बनेगा अपने पास, एक से लेके दो में बेटा ये बन जाएगा ऊपर वाला टू, और ये बन जाएगा एक्स माइनस वन प्लस वन, तो बन जाएगा टू बाई एक्स, तो एक पे क्या आ जाएगा बेटा टू आ जाएगा, तो यहाँ पे टू से यहाँ स्टार्ट होगा, एक पे टू आ जाएगा और यहाँ से टू से लेके बेटा यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक, यहाँ फिर से होल आ जाएगा बेटा, फिर आ जाओ यहाँ से लेके यहाँ तक पाँच बेटा दो पे, तो वहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास ऊपर वाला जाएगा तीन, तीन बेटा एक्स माइनस का दो प्लस एक, तो तीन बेटा एक्स प्लस एक, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे चेक करो, दो पे क्या आएगा भाई, एक आ जाएगा दो पे, दो बेटा यहाँ पे क्या है आपका, दो बेटा ये जीरो बन जाएगा, दो पे तीन आ जाएगा, ठीक है ना, तीन से लेके यहाँ पे ऐसा अगर आप गिरेगा, ठीक है ना, ऐसा तो बस आ गया फंक्शन आपके पास यहाँ पे क्या है, बस इसको वेरीफाई कर लो ऑप्शंस को, बस पहले ऑप्शंस में क्या है एफ एक्स इंजेक्टिव है, हाँ वन वन है भाई, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये ऊपर जाएगा यहाँ पे ना, थोड़ा ग्राफ इसका ऐसा रहेगा, ठीक है, ऊपर से लेके यहाँ पे, मतलब ये यहाँ तक आएगा, उसके बाद ये बेटा यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है ना, राइट। तो इंजेक्टिव वन वन फंक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अपने पास क्या है, सब्जेक्टिव है, ऑन टू भी बनेगा क्योंकि जीरो से लेके एक बेटा दो से बेटा तीन के सारे वैल्यू गेन कर लेगा, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम एक्स वैल्यू डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, एफ वन बेटा, तो आपके पास वो दो के बच्चों बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल के ऑप्शन आएंगे, पहला, दूसरा एंड चौथा, ठीक है ना, दीज थ्री ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है बच्चों, ये तीन ऑप्शन यहाँ पे सवाल के सही हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ, छठवां सवाल बेटा, यहाँ पे अपने पास याद रखा है, सॉरी पांचवा सवाल पहले देखें ना, पांचवा, पांचवा बेटा इजी सवाल ही है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है बस आपको, तो इसका डेरिवेटिव यहां से क्या है बताओ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स साइन 1.5 इंटू ए माइनस साइन ए इंटू साइन 2a। अब बेटा इसको डिफाइन करना पड़ेगा ना, ए की फॉर्म में है, तो यहाँ पे सबसे मिनिमल इसको कहाँ पे आएगा, एट ए स्क्वायर टू ए माइनस एट बराबर जीरो, तो ए का मान क्या है बेटा, चार आ जाएगा, और ए का चार रखा बेटा, तो यहाँ से क्या आपका एक आ रहा बेटा ना, चार चौक सोलह माइनस, तो ए का मान पक्का चार हो जाएगा बेटा, तो ए का मान चार यहाँ रख दो, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ए का मान हमने यहाँ पे चार रखा बेटा, तो बन जाएगा तुम्हारे पास छः, तो टू एक्स साइन छः माइनस साइन चार इंटू साइन आठ, ठीक है ना बेटा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आपका साइन बेटा एट रखेंगे आप, तो इसको कैलकुलेशन करने पे क्या बेटा आप देखेंगे ना, यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, पक्की बात है ना, एक्स को आपको साइन एट रखना बेटा, तो माइनस का साइन एट इसका स्क्वायर है ना, प्लस का टू साइन एट, ठीक है, कॉमन लेके बेटा देखेंगे आप तो नेगेटिव पार्ट बनेगा, ठीक है ना, इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव। अब बेटा नेक्स्ट सवाल पे जाओ, सवाल नंबर छः पे, ठीक है बेटा, इसको मुझे देखना, ठीक है, तो बेटा अपन इसको यहां से क्या कर सकते हैं, इसको है ना एक्सपेंड कर सकते हैं बड़े आराम से, तो बेटा a इंटू एक्स का x माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल अप टू डैश डैश, ठीक है, प्लस बी एक्स इंटू वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस का थ्री इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन, बेटा देखो इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन बेटा एक्स क्यूब कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस टेन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब बेटा इंटू एक्स क्यूब कर रहा हूँ ना, इससे मेरा लिमिट बन जाएगा, ठीक है ना, इसका लिमिट बेटा बनेगा एक बटा छः, तो ये छः बेटा यहाँ पे क्या गायब होकर ऊपर आ जाएगा, तो छः इंटू, ठीक है बेटा, छः इंटू अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ पे क्या कर लीजिए बेटा, एग्जिस्ट एंड हैज वैल्यू इक्वल टू
एक्स, ठीक है ना, एक्स क्यूब के बेटा कोफिशिएंट के हिसाब से देख रहे हैं इसको अपन, तो बेटा ए प्लस बी इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर में बेटा क्या क्या है बोलो भाई, प्लस बी प्लस तीन इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब कॉमन ले लिया तो माइनस का ए अपॉन थ्री फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बेटा कॉमन अपने फिर से लिया तो एक्स क्यूब यहां से जाएगा आपके पास बी अपॉन टू फैक्टोरियल बेटा, तो आपकी बात पता है बेटा एक्स क्यूब के हिसाब से देखें अपन तो ये पार्ट जीरो, ए प्लस बी यहां से क्या बनेगा आपका जीरो और बी का मान बेटा यहां से क्या बनेगा माइनस का तीन और यहां से इसको जीरो कर दें आप तो माइनस का ए अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस बी अपॉन टू फैक्टोरियल इट शुड बी वन, है ना बेटा ये आपका वन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लें अपन तो बी का मान माइनस तीन तो ए का मान भी क्या जाएगा बेटा माइनस तीन, वैल्यू ऑफ ए इज तीन बी वैल्यू बी इज माइनस तीन, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और अपन इसका भी लिमिट देखें यहाँ पे तो ए को बेटा यहाँ रख दीजिए आप, ए का मान क्या बेटा मेरे पास तीन है ना तो माइनस का तीन बेटा छः और प्लस पी का मान क्या माइनस का तीन तो माइनस का तीन बेटा दो, ठीक है ये आ जाएगा बेटा अपने पास, ठीक है भाई ये आ जाएगा बेटा। और इसको मुझे छः से क्या करना अभी गुणा भी करना है तो छः गुणा ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का हाफ माइनस का थ्री बाय टू तो बनगा माइनस का टू तो लिमिट बन गई माइनस का बारह, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। अब बी एल और ए को रखने बेटा ये आपका सही नहीं बनेगा सो ऑप्शन ए बी एंड सी विल बी करेक्ट, है ना, ऑप्शन ए बी एंड सी विल बी करेक्ट। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, नेक्स्ट सवाल देखिएगा थोड़ा इसमें अपने सीधी सी बात है कैलकुलेशन करने में, ठीक है ना, अपने जो जो कंडीशन दी गई, ठीक है, एफ ऑफ है ना सजेट बेटा ये कंडीशन आपको यहाँ से दी गई है ना इसको अप्लाई करना है तो एफ ऑफ जीरो का मान यहाँ से कितना है बेटा सी आ जाएगा, ठीक है। इसमें पुट करके देखें बेटा तो एफ ऑफ सात माइनस का सी बराबर एफ ओ माइनस का तीन प्लस का सी और बराबर सी बेटा, है ना। तो पहली बेटा फर्स्ट और सेकंड को अपन यूज करें, फर्स्ट सेकंड को यूज करें पुट करने के बाद, है ना, एक्स को आप क्या कर देंगे सात माइनस का सी एक ही क्वेश्चन बनेगी और बेटा माइनस का तीन प्लस सी पुट करेंगे तो आपके पास एक फाइनली ऐसी क्वेश्चन आएगी बेटा, ये वाली क्वेश्चन आएगी बच्चा अपने पास बेटा बी प्लस का चार गुणा दस माइनस का टू सी बराबर जीरो। अब आपको पता है कि बेटा सी क्या आपका पांच से छोटा तो सी पांच के बराबर तो नहीं हो सकता तो यहां से बी का मान क्या बन गया आपका माइनस का चार बन गया। अब बेटा फर्स्ट और लास्ट को अपन यूज करें, फर्स्ट लास्ट हमारे पास कौन कौन सा है एफ ऑफ सात माइनस का सी बराबर बच्चों सी को यूज करें अपन तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी एक्स में वो बनेगी सात माइनस का सी, है ना, सोल्व करने के बाद सात माइनस का थी सी और तीन माइनस का सी बराबर जीरो तो सी के दो मान आएंगे तो तीन और एक सात, सात तो नहीं सकता क्योंकि सी का मान पांच से बड़ा है छोटा है तो सी का मान बनेगा तीन, ठीक है। तो बच्चों अपने पास एफ एक्स क्या बन गया बोलो भाई, एफ एक्स हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर बी का मान क्या माइनस चार तो माइनस का चार एक्स और सी का मान क्या है तीन, ठीक है। अब फाइंड कर लो बी प्लस सी का मान माइनस एक हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट तो आपका ये इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद बेटा आप देखें ना इसको बेटा ई की पार एफ एक्स में पुट करके देखेंगे आप, ठीक है ना, ई की पार एफ एक्स में सब कुछ पुट करके देखें बेटा तो ये आपका पाई बाई सिक्सटीन नहीं आएगा सिक्सटीन बाई पाई आएगा, ठीक है ना, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा बेटा, सी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे और नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस इज नॉन डिफरेंशियबल, ठीक है। मतलब ये तो ईजी है आपके पास, ठीक है, मतलब ये पार्ट तो ईजी है अपने पास, अपन देख सकते हैं बड़े आराम से कि हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर, सॉरी क्या था बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का चार एक्स प्लस का तीन तो अपन देखें एफ ओ मोड़ो मोड एक्स तो एक और तीन बेटा इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा अपने पास, ठीक है ना, मोड एक्स बेटा इधर भी ऐसा ग्राफ बनेगा माइनस एक माइनस तीन, ठीक है। अब बेटा उसका मुझे मोड लेना है तो पता है बेटा ये वाला ब्रांच इधर आ जाएगा ये वाला ब्रांच इधर आ जाएगा, ठीक है। तो नॉन डिफरेंशियल कहाँ कहाँ पे है एक दो तीन चार पाँच तो पांच पॉइंट पे क्या बेटा नॉन डिफरेंशियल तो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर विल बी करेक्ट, है ना, पहला और चौथा बेटा इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पा जाओ बेटा एट नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स इज आर नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक है, बीच जो एग्जिस्ट नहीं करेंगे बेटा वो निकालना है आपको, यहां से बताना कि कौन कौन सी लिमिट यहां पे क्या बच्चों एग्जिस्ट नहीं करने वाली है, ठीक है। अपन बेटा इसको देखें ए प्लस बी प्लस ये आपका नॉन जीरो है, ठीक है ना, तो आप देख लीजिए यहां पे इसको आप ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा वन प्लस एक्स की पावर हाफ प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू की पावर हाफ प्लस सी इंटू
एक्स प्लस थ्री की पावर हाफ, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे बेटा आप यहां से, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कहां पे टेंड करेगा आपका, इनफाइनाइट पे, ठीक है ना। तो ये बेटा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये आ गया, ठीक है। अब अपन बात करें बी वाला ऑप्शन की, तो कौन सा टाइप का बोलो, एक की पावर इनफाइनाइट है, और एक की पावर इनफाइनाइट को सोल्व कैसे करते हैं यार, बेस माइनस वन, तो एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स माइनस वन इंटू ऊपर का पावर जी एक्स, ठीक है ना। इसको सोल्व कर रहे हैं बेटा आप, तो यहां से क्या बनेगा अपने पास, एक्स माइनस रूट एक्स, एक्स प्लस रूट एक्स माइनस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू बेटा एक्स, तो यहां से ये गायब हो गया, तो ऊपर क्या बनेगा एक्स की पावर थ्री बाय टू, नीचे एक्स माइनस रूट एक्स एक्स पावर, तो ये बेटा कहां पे इन्फिनिट पे जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा ई पावर इन्फिनिट, तो ये भी क्या बेटा नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक है ना। तो ये बेटा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑप्शन सही है आपका, ठीक है, ये बेटा एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला एग्जिस्ट कर जाएगा, डी वाला एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो नॉन एग्जिस्टेंट पूछा, तो बेटा ये और ये आपके आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। तो सवाल का जवाब क्या होगा बोलो इसका, फर्स्ट और सेकंड, है ना, इस सवाल के आंसर क्या है बेटा, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, ये दोनों सवाल के आंसर आ गए, ठीक है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, अपन पास यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये आ रहा है। तो बेटा पहली बात है ना, इसको लिमिट को अपने को वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा, लिमिट को अपने को यहाँ देखना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस आप जरूर, इसका बेटा आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। देखो मैं नेक्स्ट पेज बेटा ले रहा हूँ, नेक्स्ट पेज, ठीक है ना। अब देखो बेटा अपने पास यहाँ पे क्या लिमिट जो दिया ना, आप उसको यहाँ से क्या कर लें भाई, आप लिमिट को बेटा वेरीफाई कर लें, ठीक है ना। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ लिमिट, सॉरी बेटा इसमें यहाँ पे एक्सपेंशन लगा रहा हूँ, ठीक है ना, पहली बात एक्सपेंशन लगा रहा हूँ। तो बेटा मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ए इंटू वन माइनस का साइन एक्स है ना, और प्लस यहाँ पे क्या बेटा बी इंटू कोस एक्स प्लस का पांच अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बच्चों आपको यहाँ से पांच दिया, ठीक है ना, ये आपको पांच दिया, ठीक है, सॉरी तीन दिया, तीन, इसको एक्सपेंड कर दे बेटा अभी आप, तो ए इंटू वन माइनस वन इसका हो जाएगा बेटा एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, ठीक है ना, और प्लस का बी इंटू इसका हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स पार चार अपॉन चार फैक्टोरियल और प्लस का पांच अपॉन बेटा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉमन निकाल लीजिए आप, तो ए प्लस बी प्लस पांच, फिर बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है यहाँ से वो क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट यहाँ से क्या है भाई, ठीक है ना बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पे क्या है बोलो, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी बाई टू और प्लस बेटा एक्स पावर फोर के अभी यहाँ पे कोफिशियंट आएंगे अपॉन एक्स स्क्वायर। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या बेटा, दैट शुड बी जीरो, और इसका मान क्या चाहिए बेटा, इसका मान आपके पास आएगा माइनस का तीन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस पांच को बेटा जीरो कर दें आप, और माइनस ए प्लस बी बाई टू यहाँ से क्या कर दें बेटा आप, तीन कर दें। तो यहाँ से आप देखेंगे ए का मान तुम्हारे पास बेटा आ रहा है माइनस एक, और बी का मान बेटा अपने पास यहाँ पे क्या रहा भाई, माइनस का चार आ रहा है, ठीक है ना। तो बेटा ए और बी का मान तो अपने पास यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, ए का मान माइनस चार, इसको फिर से बेटा एक बरफ कर रहा हूँ, ए का मान हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए का मान आया माइनस का चार वन, और बी का मान बेटा यहाँ से क्या है, माइनस का चार आया, ठीक है। अब सेकंड टाइप बेटा यहाँ पे लिमिट आपने दे रखा है ना, जो एक्सपेंसिव में दे रखी है वो यहाँ पे क्या बेटा, दैट ऑल्सो हैज टू बी, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस आपका, मतलब जीरो प्लस पे देखें अपन, तो वहां भी क्या आएगा बेटा वन प्लस, ठीक है ना। हमारे पास सेकंड लिमिट क्या है, सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर अपॉन बेटा एक्स स्क्वायर, इसकी पावर में यहाँ पे क्या बेटा वन बाई एक्स, इसको भी थ्री होना पड़ेगा। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, जब सी का मान जीरो आ जाए, तो सी का मान बेटा यहाँ पे डायरेक्ट जीरो बन गया, ठीक है ना। अब ये एक की पार इन्फाइनाइट फॉर्म बन गई, ठीक है, एक की पार इन्फाइनाइट फॉर्म बन गई बेटा। तो उसको सोल्व करना तरीका पता है अपने को, एक प्लस सी तो जीरो है ही आपका, तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू बेटा क्या आएगा भाई, वन बाई एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है बेटा, वन बाई एक्स आएगा, ठीक है, सॉरी डी एक्स क्यूब यहाँ पे आ रहा है ना, तो डी एक्स तो यहाँ पे इससे कट गया, एक्स एक्स कट गया बेटा, तो डी का मान यहाँ पे क्या बन गया अभी, डी का मान यहाँ पे, डी का मान यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, मतलब ई पावर डी, ई पावर डी बेटा आपका तीन बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसा है। तो बस निकाल लीजिए, आपको निकालना क्या, ए माइनस का बी प्लस ए टू दी पार डी माइनस का सी निकालना, सी का मान जीरो है तो ए का मान क्या है, माइनस एक, तो प्लस चार, और प्लस ई पार डी का मान तीन आ गया ना, तो आंसर क्या बन गया आपका, छः, ठीक है ना। तो इस सवाल का बेटा आंसर क्या बन गया, छः आंसर बन गया, ठीक है।
इस वाले सवाल का आंसर क्या बन गया, 6 बन गया, ठीक है ना, इस सवाल का आंसर आपका 6 बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, आंसर विल बी 6। अब नेक्स्ट पर जाओ, ठीक है बेटा। तो आपको यहां से इसको आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन कौन से टाइप का है। आपको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा फंक्शन है, ठीक है ना, थोड़ा ये फंक्शन आपको आइडेंटिफाई यहां से करना है। क्या आपके पास 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3 इंटू एफ एक्स प्लस 3 इंटू एफ ऑफ वाई और प्लस 2xy, ठीक है ना। तो बेटा आपको देख के ना तीन तीन यहां पे आ रहा है, यहां पे दो रेखा है बेटा, तो मैं बोल सकता हूं एफ एक्स मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको मैं पहचान रहा हूं ना, थोड़ा दिमाग लगा करके इसको पहचान रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे टाइप से फंक्शंस को आप बेटा आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा फंक्शन बनेगा। तो एफ एक्स मेरे पास एक्स स्क्वायर आएगा, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई यहाँ पे रख करके सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई होने के बाद यहाँ से क्या है आपको फाइंड करना, एफ ऑफ 5 प्लस एफ डैश 5। तो एफ ऑफ 5 का मान कितना आएगा बेटा, 25। एफ डैश 5 का मान क्या आएगा बेटा, पास का मान 2 इंटू एक्स तो 10, तो 25 प्लस 10 का मान बेटा यहाँ पे क्या आएगा, 35। तो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा बच्चों, 35। क्या बनेगा बेटा, 35। बड़ा नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ, नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ, वो इस प्रॉपर है ना, बड़ा नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ, तीसरा सवाल, ठीक है ना। थोड़ा अपने पास यहाँ पे क्या, अभी सपोज एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है बेटा, ये है, हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 4 व्हेन एक्स इज 1। तो बेटा एफ एक्स को मैं ऐसा कुछ मान सकता हूँ लाइक 4 माइनस के इंटू एक्स माइनस 1 पावर 2, है ना, एक्स बराबर 1 पे बेटा इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है ना। इट पासिस थ्रू ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है, विद ऑर्डिनेट 0.3। तो ये पॉइंट क्या बनेगा आपका, 0.3। तो इसे पास करवा दो उसको, बस एक्स को 0 रख दो, वाई को 3 रख दो, तो 3 बराबर 4 माइनस के, बेटा के का मान यहाँ से क्या बन गया, बोलो भाई, के का मान यहाँ से 1 बन गया। तो आपका एफ एक्स यहाँ से क्या बन गया भाई, 4 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बन गया बेटा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1। तो यहाँ से क्या बन गया बेटा, एफ एक्स हमारे पास बन गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, ठीक है भाई, ये बन गया बेटा। अब इसके फैक्टर्स निकाल लो यार आप, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसके फैक्टर्स क्या है बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्या बेटा अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बेटा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस का 3, तो माइनस एक्स बेटा कॉमन आएगा, तो x माइनस का 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3, तो बेटा बन गया एक्स माइनस का 3 इंटू माइनस एक्स माइनस 1। इसका बेटा ग्राफ कैसा बनेगा बोलो भाई, माइनस 1 और 3, तो बेटा यहाँ पे इसका ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। अब उसने पूछा अपने को टेन द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेन, ठीक है बेटा, ये चीज़ हमारे पास क्या बोलो भाई, ये हमारे पास एफ ऑफ मोड एक्स, उसका बेटा मोड दिया आपको, ठीक है ना, ये दिया है, ठीक है भाई, ऐसा दिया है। तो बेटा इसका सबसे पहले अपन क्या करें बोलो भाई, तो सबसे पहले क्या करें बोलो बेटा, इसका ग्राफ ऐसा कैसा, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे, और बेटा यहाँ पे ऐसा ग्राफ बन जाएगा, तो 1, 2, 3, तो 3 पॉइंट से फंक्शन क्या बन जाएगा बेटा, नॉन डिफरेंशियबल। तो इस वाले सवाल का आंसर क्या बनेगा, 3, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, नंबर 4 पे, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन, ठीक है, ठीक है, फेल्स टू बी डिसकंटीन्यूअस, ठीक है, मतलब डिसकंटीन्यूअस कहाँ कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो बना लीजिए आराम से इसका ग्राफ यार, एफ एक्स को अपन लिख लेंगे बड़े आराम से, क्या है बोलो भाई, जब बेटा यहाँ पे ना, इसको डिटेल में बेटा यहाँ पे लिख लेते हैं अपन,
ठीक है, फंक्शंस को। बेटा जब x का मान जीरो है, कहां पे, जीरो से टू में, जब x का मान आपका जीरो है तो देखिए बेटा ये भी क्या आपके पास भाई, x का मान जीरो है तो ये बन जाएगा जीरो, ये बन जाएगा एक, ये बन जाएगा जीरो, और बेटा x का मान जीरो तो बेटा एक बन जाएगा, तो x जीरो पे यहां पे क्या बन जाएगा अपने पास मान इसका, जीरो पे बेटा इसका मान बन जाएगा अपने पास यहां पे बेटा। तो x0 किस ब्रांच में आएगा, इस ब्रांच में आएगा, साइड ब्रांच है ना, पहले इस ब्रांच में आएगा बेटा, तो इस ब्रांच का मान क्या है बेटा, एक आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बेटा जब x आपका 0 से बड़ा है और छोटा किससे, 1 by 2 से छोटा बेटा, तो उस केस में क्या बनेगा बोलो बेटा, यहां बन जाएगा आपके पास, मतलब इसी ब्रांच को फॉलो करेंगे अपने आप, तो वहां पे 0 बन जाएगा, फिर 1 बेटा 2 से लेके बेटा x कहां पे है, 1 पे, तो बेटा ये नेगेटिव बन जाएगा, माइनस 1 बन जाएगा वहां पे, है ना। फिर बेटा एक से लेके और कहाँ पे, 5/4 पे, तो बेटा एक से लेके 5/4 के अंदर ये नेगेटिव बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 - 4x, ठीक है ना, और ये बेटा बन जाएगा तुम्हारे पास 1, ठीक है। जब बेटा तुम्हारे पास क्या 5/4 से लेके और बेटा 2 के अंदर है, तो बेटा ये आपके पास बन जाएगा पॉजिटिव, तो 4x - 5, और ये वहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा आपका 1 बन जाएगा, ठीक है ना, ये आपके पास वहाँ पर 1 बन जाएगा, ठीक है। और बेटा x बराबर 2 पे यहाँ फिर से बेटा क्या बन जाएगा बोलो, x बराबर 2 बेटा फिर से तुम्हारे पास यहाँ पे ये 5 बन जाएगा, ठीक है, 5, ठीक है यार, ये बन जाएगा 5, ठीक है। तो बेटा साफ साफ दिख रहा है आपको फंक्शन कहाँ का डिस्काउंट बेटा, एक तो 0 पे आ रहा है, एक तुम्हारा कहाँ बेटा आ रहा है, 1/2 पे आ रहा है, ठीक है, 1/2 भी तो आ रहा है ना, 1/2 भी इधर से अलग ब्रांच हो गई इसकी, फिर तुम्हारा बेटा एक एक पे भी आ रहा है, एक तुम्हारा बेटा 5/4 पे भी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या भाई, 0 से लेके बेटा 2 के अंदर, तो कहाँ कहाँ पे बन गया बोलो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस आपका, 4 पॉइंट बन गया बेटा, 4 पॉइंट्स पे, ठीक है ना, कहाँ कहाँ बन गया आपका, 0 पे, 1/2 पे, 1 पे और बेटा 2 पे, है ना। 5/4 पे तो सेम ब्रांच रहेगी इसकी, क्योंकि 5/4 बेटा इधर से भी क्या भाई, 1, और इधर से भी क्या बेटा आपका, इधर से भी 5/4 रखा तो 1 आ रहा, ठीक है, तो इसमें नहीं बनेगा, तो 0 पे, 1/2 पे, 1 पे और आपका 2 पे, ठीक है ना। तो 4 पॉइंट पे ये फंक्शन बच्चों क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, 4 पॉइंट पे क्या रहेगा फंक्शन आपका, डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। इसको बस सिंपल से ज्यादा ओपन ही करना अपने को यार। बेटा नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल, हाँ नेक्स्ट सवाल, ठीक है ना बेटा, अपने पास दिया है सपोज एफ आर टू आर प्लस, ठीक है ना, बी डिफरेंशियल फंक्शन है जो बेटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, और एफ ओ वन का मान बेटा आपको 6 दिया है, ठीक है। इफ तो बेटा ये आपको पता है, ये अपने पास क्या बेटा एफ डैश वन है बराबर लोन के, देन फाइंड के, तो अब सीधी सी बात इस सवाल में क्या करना, अपने कुछ भी नहीं करना, अपने को एफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो अब बड़े ध्यान से देखो बेटा इस सवाल को, देखो ध्यान से देखो इस फंक्शनल बेटा इक्वेशन को ध्यान से ढंग से देखो, 3 इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू बेटा एफ ऑफ वाई, तो सीधी सी बात बेटा ये कैसा फंक्शन आएगा बोलो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, यस और नो बेटा, इट हैज टू बी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और बाहर क्या आपका 3 लगा बेटा, तो एफ एक्स तुम्हारे पास पक्का इस प्रकार का होगा बेटा, किस टाइप का होगा, 3 इंटू ए की पार एक्स टाइप का होगा भाई, किस टाइप का होगा, 3 इंटू ए की पार एक्स टाइप का होगा, ठीक है। अब बेटा अपन यहां से क्या कर रहे हैं इसको बोलो भाई, अब इसको यहां से अपन क्या कर रहे हैं बोलो बेटा, आपके पास एफ ओ वन का मान क्या दिया भाई, एफ ओ वन का मान आपको दिया बेटा 6 दिया, तो यहाँ पे रखिएगा 6, तो 6/3 इंटू ए, तो ए का मान बेटा यहाँ से क्या बन गया आपका 2 बन गया, तो एफ एक्स हमारे पास ये आ गया डेफिनेटली 3 इंटू 2 पावर x, ठीक है ना। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, एफ एक्स हमने निकाल लिया इसका, तो हमारे पास एफ एक्स क्या है बोलो बेटा इसका, हमारे पास इसका एफ एक्स क्या है बेटा, हमारे पास इसका एफ एक्स आया है 3 इंटू 2 पार एक्स। आपको क्या करना बेटा, एफ डेस वन निकालना है, तो एफ डेस एक्स निकाल लो इसका पहले, एफ डेस एक्स यहाँ पे क्या बनेगा 3 इंटू 2 पार एक्स इंटू लॉन 2, तो यहाँ बन गया आपका 6 इंटू लॉन 2, तो ये बन गया बेटा लॉन 2/6, दैट इज लॉन 64, और बराबर किसके बराबर बेटा, ये लॉन के बराबर अभी,
तो यहाँ से के का बेटा वैल्यू क्या बन गया बोलो, 64. सो वैल्यू ऑफ के विल बी 64, ठीक है ना. तो इस सवाल का आंसर क्या बन गया, 64, ठीक है ना. सवाल बिल्कुल बढ़िया सवाल दे, ठीक है ना, अच्छा पेपर था, ठीक है. आई होप आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना. थोड़ा और चीज़ों को ढंग से बनाएं, ठीक है. और थैंक यू बेटा, बाय. थैंक यू, जय श्री सिंह.